दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में एचडीएफसी डायनेस ब्लैक मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसके बेनिफिट काफी कुछ इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड के करीब आ चुके हैं और इस वजह से ये क्रेडिट कार्ड काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है आजकल। आज की इस वीडियो में इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स को मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाला हूँ और ये देखेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड किसके लिए यूजफुल है और किसको ये कार्ड अप्लाई करना चाहिए। चैनल पर नए हैं अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों कार्ड के बेनिफिट्स बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कार्ड जो है उन्हीं के लिए अच्छा है जो ट्रैवल करते हैं, जो फ्लाइट या होटल बुकिंग पर कुछ स्पेंड करते हैं, इवन साल में एक बार भी हॉलीडेज पर जाते हैं। अगर आप उनमें से नहीं है तो ये कार्ड आपके लिए नहीं है, आपको कोई अच्छा कैशबैक कार्ड जो है वो अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कार्ड के बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स की। इस कार्ड को आप कहीं भी स्पेंड करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आपको 150 रुपीज के स्पेंड पर 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जो इफेक्टिवली 3.33% का वैल्यू बैक होता है और ये वैल्यू बैक जो है आपको अक्रॉस द कैटेगरीज मिलता है। एक्सक्लूजन की बात करें तो दोस्तों इसमें से फ्यूल पर आपको कुछ नहीं मिलता, रेंट पेमेंट, गवर्नमेंट पेमेंट, वॉलेट पेमेंट और ईएमआई, इन 5 चीजों को छोड़ के बाकी सब पर आपको 3.33% के रेट से वैल्यू बैक मिल जाता है। इसके अलावा स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स पर आप वीकेंड पर इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तब आपको 2x की रेट से रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जो इफेक्टिवली 6.67% की रेट से वैल्यू बैक हो जाता है। इसके अलावा इस कार्ड को आप डाइन आउट ऐप में अगर रेस्टोरेंट्स पर पेमेंट करने में यूज करते हैं तो वहां पर भी महीने में 2 बार 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, अप टू 500 रुपीज पर ऑर्डर, अगर आपका ऑर्डर जो है वो 2000 रुपये से ज्यादा का है तो। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों वो है स्मार्ट बाय। एचडीएफसी बैंक का जो स्मार्ट बाय पोर्टल है वहां पर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 10x तक के रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो मिल जाते हैं, जो 33% के रेट से होते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों यहां पर कोई डेली लिमिट नहीं है एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स की, आपको महीने में 10,000 एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट जो है इससे मिल सकते हैं। एक्सेलरेटेड वैल्यू बैक को अगर ऐड करें तो इफेक्टिवली आपको होटल बुकिंग पर 33% की रेट से वैल्यू बैक मिल जाता है, फ्लाइट बुकिंग पर 16.67% की रेट से वैल्यू बैक जो है वो मिल जाता है, बस बुकिंग पर भी 16.67% की रेट से वैल्यू बैक मिल जाता है, ट्रेन टिकट पर आपको 10% की रेट से वैल्यू बैक मिलता है, इंस्टेंट गिफ्ट कार्ड जो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है कहां पर, जहां पर आपको 100 ब्रांड जो है वो नजर आ जाएंगे, Amazon, Flipkart, Myntra, बिग बास्केट तक, UVR, इस तरह के पॉपुलर ब्रांड जो है वो नजर आ जाएंगे, उन सब पर भी आपको 10% की रेट से वैल्यू बैक मिल जाता है। इसके अलावा नायका पर और जूम कार पर आपको 16.67% की रेट से वैल्यू बैक मिलता है, एप्पल के प्रोडक्ट्स पर आपको 10% की रेट से वैल्यू बैक जो है वो इसमें मिल जाता है, जॉकी के प्रोडक्ट्स पर तो दोस्तों आपको 33% की रेट से वैल्यू बैक जो है इस क्रेडिट कार्ड को यूज करने पर स्मार्ट बाय पोर्टल पर मिल जाता है। और IGP.com पर अगर आप गिफ्ट्स वगैरह परचेज करते हैं तो वहां पर भी 33% की रेट से आपको वैल्यू बैक मिल जाता है। और दोस्तों यहां पर ये जो एडिशनल वैल्यू बैक मिल रहा है, जैसा कि मैंने बताया महीने में 10,000 रुपये तक की वैल्यू का वैल्यू बैक यहां पर आपको मिल जाता है। बेस जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है 3.33% की रेट से जो मिलते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो तो अनलिमिटेड है। इसके अलावा जो एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट्स है उनकी लिमिट जो है वो मंथली 10,000 पॉइंट्स की है। अब दोस्तों जब मैं बोल रहा हूं कि बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स की कोई लिमिट नहीं है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि एक अपर लिमिट यहां पर जरूर है, जहां पर एक स्टेटमेंट साइकिल में आपको मैक्सिमम 75,000 रिवॉर्ड पॉइंट जो है वही मिल सकते हैं। अब उन 75,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स में से 10,000 के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं जो आपको स्मार्ट बाय के थ्रू मिलने वाले, उनको हटा भी लें तो 65,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं। अब दोस्तों 3.33% की जो बेस रिवॉर्ड रेट है उससे अगर आप 65,000 की जो लिमिट है रिवॉर्ड पॉइंट्स की वो क्रॉस करना चाहेंगे तो उसके लिए 19,51,000 रुपये जो है आपको स्पेंड करना होगा एक स्टेटमेंट साइकिल में। 99.99% लोगों के लिए वो स्पेंड कभी क्रॉस नहीं होने वाला मेरे ख्याल से, सो प्रैक्टिकली ये एक अनलिमिटेड रेट ही हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों इंश्योरेंस पर अगर आप कुछ भी स्पेंड करते हैं तो वहां पर भी आपको 3.33% की रेट से रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक लिमिट जरूर है यहां पर कि आपको डेली मैक्सिमम 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिल सकते हैं इंश्योरेंस स्पेंड पर, बट ये लिमिट भी क्रॉस करने के लिए आपको 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का इंश्योरेंस स्पेंड एक दिन में करना होगा, जो ज्यादातर केसेस में नहीं होने वाला है। तो इंश्योरेंस स्पेंड पर भी प्रैक्टिकली अनलिमिटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स हो जाते हैं। ग्रोसरी पर आपको 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की एक लिमिट है मंथली, बट उसके लिए भी आपको महीने में 60,000 रुपये से ज्यादा क्या स्पेंड करना होगा ग्रोसरी पर, तभी ये लिमिट ब्रीच होने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अगर एक्सक्लूडेड कैटेगरीज छोड़ दे तो बाकी सभी स्पेंड पर आपको प्रैक्टिकली अनलिमिटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है इस क्रेडिट कार्ड के साथ मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड का जो सबसे बड़ा यूएसपी है वो है क्वार्टरली माइलस्टोन बेनिफिट, जो इस कार्ड में स्पेशली ऐड किया गया है। इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके किसी भी कैलेंडर क्वार्टर में आप 4 लाख रुपए से ज्यादा का स्पेंड करते हैं
तब आपको एडिशनल 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जो इक्वलेंट होता है 2.5% का एडिशनल वैल्यू बैक के। तो मतलब 3.33% का तो बेस वैल्यू बैक और 2.5% का जो है एक्सिलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स माइलस्टोन के थ्रू। इफेक्टिवली ये 5.83% का वैल्यू बैक हो जाता है, जो बेस स्पेंड पर अक्रॉस द कैटेगरीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड भी इतना वैल्यू बैक नहीं देता है, वहां पर आपको 3.33% का वैल्यू बैक ही मिलता है। और यहां पर माइलस्टोन को मिला के अगर आप क्वार्टर में 4 लाख रुपए से ज्यादा का स्पेंड करते हैं तो 5.83% का वैल्यू बैक मिल रहा है, जो काफी ज्यादा अच्छा है। दोस्तों यहां पर मैंने एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपी ली है, क्योंकि इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को अगर आप फ्लाइट और होटल बुकिंग में यूज करते हैं तो आपको 1 रुपी की वैल्यू मिलती है। अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको कोई एयर माइल ट्रांसफर नहीं करते हैं, हालांकि वो ऑप्शन भी है, बट सीधा ऑप्शन ये है कि आप स्मार्ट बाय की साइट पर जाइए, वहां से जैसे आप नॉर्मली फ्लाइट होटल बुकिंग करते हैं वो करिए, और 70% तक का जो पेमेंट है आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज करके कर सकते हैं। वो भी नहीं करना है तो कॉन्सियर्ज पर कॉल कीजिए, स्टेट ऑफ आर्ट बहुत बढ़िया इनका कॉन्सियर्ज है, उनको कॉल कीजिए और वो भी आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम कर लेंगे, और आपकी जो फ्लाइट बुकिंग है होटल बुकिंग है जैसे कोई ट्रैवल एजेंट करता है उस तरह से आपके लिए करके देंगे। लाइफस्टाइल बेनिफिट्स की बात करें तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के साथ आपको अनलिमिटेड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस मिलते हैं, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि 3 एड ऑन कार्ड होल्डर्स के लिए भी। इस क्रेडिट कार्ड के साथ दोस्तों आपको 3 एड ऑन कार्ड मिलते हैं, जो काफी इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक्सिस बैंक की तरह इसमें डिफिकल्ट नहीं है एड ऑन कार्ड्स को लेना। तो 4 लोगों के लिए अनलिमिटेड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस जो आपको मिल जाते हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों लाउंजेस का जो नेटवर्क है वो भी यहां पर काफी अच्छा है, क्योंकि ये आपको डायनेस क्लब का जो नेटवर्क है उसके थ्रू मिलता है, तो अच्छे खासा जो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जो है वो आपको मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको गोल्फ गेम्स भी खेलने को मिलते हैं, अगर वो आप अवेल करना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा वैल्यूएबल बेनिफिट इसमें हो जाता है। कार्ड की फी की बात करें तो दोस्तों इसकी जो फी है वो है 11,800 रुपीज जीएसटी मिला के, ज्वाइनिंग फी भी उतनी है, रिन्यूअल फी भी उतनी है। बट दोस्तों अगर आप इस कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अपनी बेसिक डिटेल्स डालते हैं, तो बहुत केसेस में प्रोफाइल बेसिस में ये कार्ड जो है फर्स्ट ईयर फ्री मिल रहा है, और लाइफ टाइम फ्री भी बहुत लोगों को ऑफर हो रहा है, तो वो ऑफर भी आपको मिल सकता है। साल में अगर आपने 8 लाख रुपए से ज्यादा का स्पेंड किया तो आपकी रिन्यूअल फी वैसे भी इसमें नहीं लगने वाली, क्योंकि वो वेव ऑफ हो जाती है। ज्वाइनिंग बेनिफिट की फॉर्म में अगर दोस्तों पहले 90 दिनों में अगर आपने 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का स्पेंड किया तो आपको कुछ मेंबरशिप्स मिलती हैं, जो स्क्रीन पर दिखाई हुई है। बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बट नेचुरली अगर आपका 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का स्पेंड होता है पहले 90 दिनों में तो ये एक एडेड बेनिफिट हो जाता है। कार्ड बहुत ही अच्छा है, इन्फिनिया के साथ अभी जो इसका डिफरेंस है दोस्तों वो काफी ज्यादा कम हो गया है, और स्पेशली माइलस्टोन बोनस की बात करें, अगर आप 4 लाख रुपए से ज्यादा का स्पेंड इवन 1 या 2 क्वार्टर में भी करने वाले तो ये कार्ड तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो ही जाता है इवन इन्फिनिया के मुकाबले भी। और इन्फिनिया का जो बड़ा बेनिफिट है दोस्तों वो था स्मार्ट बाय वाला, क्योंकि वहां पर आपको 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तो यहां पर जो पहले 7,500 और 2,500 की जो डेली लिमिट लगा रखी थी उसको भी अभी 10,000 कर लिया है, डेली लिमिट को हटा दिया गया है, तो वो डिफरेंस भी अभी काफी कम हो गया है। अब एक ही डिफरेंस बचता है जो इन्फिनिया में है और यहां नहीं है, मेजर बेनिफिट की बात करें तो वो है फी पे करने के अगेंस्ट में इन्फिनिया में आपको 12,500 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जो यहां पर नहीं मिलते हैं। सो अगर दोस्तों अगर आपका 8 लाख रुपए से ज्यादा का स्पेंड होता है साल में, तब तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, ये कार्ड बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, बहुत ही स्टेबल बेनिफिट के साथ आता है, ना कि एक्सिस बैंक की तरह जिसके बेनिफिट्स कभी भी चेंज हो सकते हैं, सर्विसेज में भी काफी इश्यूज आते हैं। एचडीएफसी बैंक की सर्विस एक्सिस बैंक के मुकाबले तो काफी अच्छी है, और स्पेशली डायनेस ब्लैक और इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड है तब तो उनका कस्टमर केयर पूरी इंडस्ट्री में बेस्ट है, क्योंकि आपको एक स्पेशल कस्टमर केयर लाइन मिलती है जहां पर आप विद इन 10 या 15 सेकंड्स में एक ह्यूमन कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट कर लिए जाते हैं, और इनके जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है दोस्तों वो बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, ये भी एक एडिशनल एडवांटेज हो जाता है। ओवरऑल बात करें तो ये कार्ड बहुत ही अच्छा है, अगर आपका 8 लाख रुपए से ज्यादा का स्पेंड है तब तो शायद इससे बेहतरीन कार्ड आपके लिए नहीं हो सकता, अगर आप इन्फिनिया या बर्गंडी मैग्नस जैसे क्रेडिट कार्ड्स के लिए एलिजिबल नहीं है उस केस में, तो ये बहुत अच्छा कार्ड हो जाता है। इससे कम भी अगर आपका स्पेंड है और अगर इन सब कैटेगरीज पर अच्छा रिकवर कर सकते हो तो भी ये बहुत अच्छा कार्ड है, और अगर आप ट्रैवल करते हैं तब तो ये कार्ड बहुत ज्यादा उपयोगी हो ही जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।